सो अब क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू इट्स पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग दैट इज फ्रॉम बी टू सी एंड सी टू बी इज इक्वल्स टू 2 seconds. ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है जो बॉल ने बी से सी जाने में फिर सी से वापस बी आने में लिया. अब हम ये टाइम निकाल लेंगे कि जब ये बी पर आ जाएगा तो बी से ग्राउंड तक आने में ये कितना टाइम लेगा. तो बी से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 15 meters. बी पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 10 meters per second. और एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज जी. टाइम हमें फाइंड करना है, अज्यूम ले कर लेते हैं कि दैट इज टी सेकेंड. इसे आप इक्वेशन 1 ही कंसीडर कर लो. अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें क्या होता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी हमें किसी पार्टिकल की पता है, साथ ही वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है ये भी पता है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी में वो जो डिस्प्लेसमेंट एस कवर करता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और उसके द्वारा वो टाइम जो लिया गया है इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, अगर ये चीज़ें हमें पता हैं तो हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करके वो डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हुआ है वो फाइंड कर लेते थे. दैट वॉज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर किस पैथ के लिए, फॉर पैथ बी ए. तो एस की वैल्यू है 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 10 meters per second, टाइम हमने टी कंसीडर कर रखा है, प्लस हाफ जी कितना है दैट इज 10, टी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और सिंपल करेंगे. कैसे करेंगे सिंपल, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 is equals to 10, 20 टाइम्स टी प्लस 10t square. 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 is equals to 2t plus t square, टी स्क्वायर प्लस 2t minus 3. अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर 3t minus t minus 3 is equals to 0, टी कॉमन टी प्लस 3 minus 1 कॉमन टी प्लस 3 is equals to 0, टी माइनस 1 टी प्लस 3 is equals to 0. यहाँ से इस टाइम की दो वैल्यूज आई हैं, फर्स्ट इज t is equals to 1 second, सेकेंड इज t is equals to -3 second. अब टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ये वाली तो वैल्यू गलत है, टाइम पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज t is equals to 1 second. चूँकि हमने बी से ए का पैथ कंसिडर किया है, इसका मतलब है कि अब बी से ए तक आने में बॉल 1 second लेती है, यहाँ से यहाँ तक आने में. अब हमें टोटल निकालना है कि बी से सी, सी से बी और फिर बी से ए. तो सबसे पहले तो बी से सी और सी से बी तक आने में हमने देख लिया कि 2 seconds, प्लस अब बी से ए आने में हमने भी फाइंड किया 1 second, टोटल इट इज 3 seconds. यानी कि जो बॉल है वो ड्रॉप करने के 3 second बाद ग्राउंड पर गिरती है. तो जो पहला ऑप्शन है वो तो हमारा सही है. इसका मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेबल, इसका मतलब है कि ए वाला तो सूटेबल है तो ए तो इसका आंसर नहीं होगा. फिर कहता है द बॉल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 meters, यानी कि जैसे हम इसको ड्रॉप करते हैं यूं, तो ऊपर जाकर फिर वापस आकर फिर जब गिरता है तो इसने टोटल डिस्टेंस, ये वर्ड याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा उसने, डिस्टेंस कहा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है पूरा कंबाइन कर देंगे तो वो कितना होगा. अब वो हमें फाइंड करना है, तो हम उसको फाइंड करेंगे.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका हम डबल कर देंगे, तो वो हो जाएगा जब ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल टू रिटर्न इट्स द पोजीशन दैट इज पॉइंट बी, यानी कि ड्रॉप करने के बाद ये वापस उसी पॉइंट पर जब आएगी जहाँ से इसे ड्रॉप किया गया था। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, उसका हम टू टाइम्स कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो हमें वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं हमारा जो मेन गोल है वो है बी से सी तक की हाइट को फाइंड करना। तो यहाँ पर अब हम इनिशियल, यहाँ पर भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा, जहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हम बी सी पैथ कंसाइडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बी पर जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर सी पर आने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ 0। फिर अब यहाँ पर डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेंगे दैट इज़ डी, और एक्सेलरेशन कितना है दैट इज़ माइनस जी। फिर से माइनस जी क्यों, क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा इक्वेशन ले लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड प्लस टू टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। तो अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस क्यों, क्योंकि ये टू टाइम्स एक्सेलरेशन है 10 और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वो आ जाएगा 5 मीटर। अब देख लो 5 × 10 = 100। तो ये जो हमारा टोटल 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया वो क्या है, दैट इज़ द बी सी इज इक्वल्स टू 5 मीटर। इसका मतलब है जब ये वापस बी पर आएगा तब भी ये 5 मीटर ही कवर करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन दैट इज पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 मीटर, ठीक। तो 10 मीटर क्यों होगा, क्योंकि बी से सी 5, फिर सी से बी दोबारा 5, तो 10 मीटर तो ये हो गया। अब बी से ए आने में कितना डिस्टेंस हो, तो दे रखा है दैट इज 15। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा, टी डी मीन्स टोटल डिस्टेंस, वो हो जाएगा 10 + 15 दैट इज 25 मीटर। अब द बॉल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, ये भी आंसर हमारा आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। ये ध्यान रखिएगा ये सारे आंसर्स नहीं है, ये हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर सूटेबल हैं, आंसर वो होगा जो सूटेबल नहीं होगा। तो थर्ड चेक करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो हम थर्ड वाले को क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक नहीं मतलब अभी तो चेक ही कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 8.33 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ तक आया, तो ये बी से यहाँ तक आने में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। इन्होंने तो कह रहा है, ये तो कह रहे हैं 8.33 मीटर पर सेकेंड होगा, चलो चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले टोटल टाइम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा था। तो टोटल टाइम पता ही है 3 सेकेंड्स लगा था, टोटल टाइम जो था वो 3 सेकेंड्स लगा था किसको, बॉल को ड्रॉप करने के बाद, ड्रॉप करने के 3 सेकेंड बाद वो बॉल हमारा ग्राउंड पर गिरा था, ठीक है, हमें टोटल टाइम पता है। और अब हमें क्या टोटल डिस्टेंस निकालना है, वो भी हमें पता है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी, एवरेज स्पीड नहीं एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे कितना है, तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा, इस बॉल का ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 15, टोटल टाइम है 3 सेकेंड्स, मीटर अपॉन सेकेंड्स, जिसको डिवाइड करेंगे ये हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड।
तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इस बॉल की दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। बट ये जो दे रखा है ये इन्होंने एवरेज स्पीड दे रखा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस को कंसाइडर कर लें, यानी कि एवरेज स्पीड भी निकाल के देख लें, देन दैट विल बी 25। हमारा टोटल डिस्टेंस आया था, टाइम था इतना, 3s 24, फिर 8.3333 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इन्होंने दे रखा है दैट इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, दैट इज एवरेज स्पीड है। यहाँ पर बहुत गलती हो जाती है, इसीलिए शायद इन्होंने ऐसा दे रखा। तो इसका एक आंसर तो आ गया, इट इज नॉट सूटेबल। तो सी वाला इसका आंसर है। डी के लिए क्या कह रहे हैं, द बॉल मूव्स अप एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन इंस्टेंट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इनिशियली बताया था जब हमने पहला वाला ये सॉल्व हम कर रहे थे, तब हमने बताया कि जैसे हमारे पास बी पर था, तो जो लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, आप इसके बारे में और स्टडी करना तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही उसने ड्रॉप किया, इनिशियली ये जो फेंकने वाला था वो भी किससे मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से, और जिस चीज़ को फेंक रहा था वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे। जैसे कि आप ऐसे देख लो, एक लिफ्ट है, ठीक, आप लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट के अंदर आपके पास बॉल है, ठीक। अब आप भी उसी स्पीड से मूव कर रहे हो जिससे कि ये बॉल कर रही है, बशर्ते आप इसको ऐसे 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 मत करो, आप बस इसको शांति से पकड़े रहो, ठीक है। तो उस स्थिति में भी यही होगा कि जो इस वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो। अब ऐसी अगर सिचुएशन में आप उसको छोड़ दो, ड्रॉप करो, तो वो ऊपर ही जाएगी। चूंकि उस केस में आपको नहीं दिखेगा कि ये ऊपर जा रही है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ पर ज़ीरो होगा, वो भी इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रही होगी, आप भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहे हो, इसीलिए आपको वो लगेगा कि स्थिर है, यानी कि आपको नहीं लगेगा कि वो आपसे ऊपर जा रही है, लगेगा ही नहीं, आपको फील ही नहीं होगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड से जा भी रही है, आपको लगेगा वो तो ऐसे स्थिर है। लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर इन एक्सलरेटेड एलिवेटर, उसी को लिफ्ट कहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वही इनर्शिया ऑफ मोशन का जो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन है, दो होते हैं, एक रेस्ट का होता है, एक मोशन का होता है। तो जो मोशन वाला है वही ये चीज़ इसे करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। जैसे आपने ड्रॉप किया, सब कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, ड्रॉप करने के जस्ट बाद वो भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जाना चाहता है, दैट इज़ इट्स टेंडेंसी, ठीक है। इसीलिए वो नेचुरल लॉ बनाया गया, बिकॉज इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ऑल द मैटर। सो ओके, तो चारों चीज़ें हो गई, ये वाला भी हमारा ऑप्शन भी सही था, सारे ऑप्शन सही थे सिवाय सी के। तो इस जो पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, मतलब कि सी ही वो ऑप्शन है, सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वही, यही वो स्टेटमेंट है जो कि इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। तो अगर अभी भी इसमें आपको कोई डाउट है तो अब मेरे को बताना, तो मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कहाँ पर डाउट है ये भी बता दीजिएगा, तो उस पॉइंट को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, नेक्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।